प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7600 के पार पहुंच गई है, जिसमें सबसे अधिक पॉजिटिव केस जयपुर से सामने आए हैं। लेकिन अब जयपुर में भी कोरोना कंट्रोल का नजर में आता जा रहा है, जिसे लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर के रामगंज में कोरोना का जिस तरीके से विस्फोट हुआ, वहां अच्छी मॉनिटरिंग के चलते कोरोना को कंट्रोल भी किया गया, उसकी तारीफ केंद्र सरकार ने भी खुद की है। मंत्री शर्मा ने कहा कि रामगंज में माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए स्थिति को कंट्रोल में किया गया। इसी के तरीके से जोधपुर में भी स्थिति नियंत्रण में है और अन्य जिलों में कोरोना का ग्राफ जहां बढ़ रहा है, वहां भी जून तक स्थिति को कंट्रोल में किया जाएगा। प्रदेश में मृत्यु दर भी 2.2% है, तो वहीं कोरोना की जांच क्षमता भी जल्द ही बढ़कर 25,000 होने वाली है। देखा जाए तो प्रदेश में 18 दिनों में पॉजिटिव मरीज दोगुने हो रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। तो वहीं प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों में 64% मरीज प्रवासी आ रहे हैं। ऐसे में प्रवासियों के आने पर उनकी स्क्रीनिंग की पूरी तरीके से जांच की जा रही है, उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने डेवलप की है, वो करीब 16,500 टेस्ट पर डे हम कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस सोच के साथ, चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी हो, क्योंकि 32 जिलों में लगभग पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं और उनमें से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा संख्या में एकदम बढ़े हैं, जो ग्रीन जोन थे वो रेड हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जिस ढंग की क्वारंटाइन फैसिलिटीज डेवलप की गई है और जिस ढंग से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जिस तरह से विलेज लेवल की कमेटियां काम कर रही है, तो मैं समझता हूं अनुशासन के साथ 14 दिन क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित अगर राजस्थान में हो गई, तो निश्चित रूप से ये संक्रमण का ग्राफ जो अभी बढ़ा है, वो आने वाले समय में न केवल फ्लैट हो जाएगा, बल्कि जून आते आते इसको डाउन भी हम करेंगे। अब आपके सामने उदाहरण है, रामगंज को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति आई, रामगंज को कंटेनमेंट जोन, मतलब जिस तरह से क्लस्टर में हमने बांटा, सेंसस के आधार पर 30 क्लस्टर्स में बांट के रैंडम सैंपलिंग करके, और जिस तरह से जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया गया। आज भारत सरकार ने तारीफ की है जयपुर की, देश के 4 महानगरों में जहां सबसे बेहतरीन काम हुआ कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने में,